जगत मोदी
दिवाकरम् नमामि रामम् विश्वस्मै नमः ॐ शान्तिः 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 जय भगवान् की तुलसी बाबा
Thank you.
भाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिशा देहि। सभी बच्चन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कि तेरा गुणगान करूं मैं तो गूंगा था क्या औकात थी मेरी। कि तेरा गुणगान करूं ये गुफ्तगू मुझको बख्शी दाता तूने। नित कथा करूं मैं ते नित नित कथा करूं मैं ते। बोली श्री राम चंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय वेला श्री रामचरितमानस श्री राम कथा अमृत के परम पावन धाम में जहां पर राम कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही है उसके आज तृतीय दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां पर विराजमान श्री रामचरितमानस प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदन, राधा वल्लभ सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहां पर विराजमान मंचासन हमारे परमाचार्य विपिन बिहारी त्रिपाठी जी को जय श्री राम और उनके साथ ब्राह्मण वृंद जो है उनको भी जय श्री राम। मंचासीन माँ सरस्वती की जिनके ऊपर विशेष अनुकंपा अमन शर्मा जी और तबला वादक श्रीमान महेंद्र शर्मा जी और सरस्वती जी को जय श्री राम। और जो यहाँ पर इस ध्वनि को बिखेर रहे हैं हमारे स्वरों को बिखेर रहे हैं अश्विनी जी शर्मा जी को जय श्री राम। समा 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 जय माँ वैष्णो देवी सेवा समिति इसके प्रधान श्रीमान संजय शर्मा जी, सेक्रेटरी श्रीमान जगदेव चौधरी जी और उनके सहयोगी सबको जय श्री राम जिन्होंने इस आयोजन को यहाँ पर रचा। यहाँ पर विराजमान समस्त भक्त वृंद मातृशक्ति और सभी श्री राम भक्तों को साधुवाद जय श्री राम जय श्री राम। आज हम तृतीय दिवस की परम पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। उससे पहले कुछ प्रभु श्री राम का नाम प्रभु का सुमिरन हो जाए और उसके बाद कथा की तरफ अग्रसर। सभी ने मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ प्रभु श्री राम का गुणगान करना है और प्रभु राम रूपी इस नाम की महिमा का गुणगान करना है। हे राम हे राम तू ही माता पिता तू ही है तू ही तो है सुख का दान।
स्वरूप को अपने हृदय रूपी मंदिर में उनकी झांकी को आसन प्रदान करके श्री राम हरि की इस परम पावन कथा का श्रवण करें कि परिपूर्णतम अकार करुणा वर्णालय भगवान श्री राघव को प्रणाम करता हूं। तो कल तक की कथा में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे थे। अब आज से भगवान शिव मैया को श्री राम कथा रूपी अमृत का रसपान करवा रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। पर जगत की कथा शुरू होती है जीव की व्यथा से। जगत की जो कथाएं होती हैं वो जीव की व्यथा से शुरू होती है और प्रभु श्री राम की कथा शुरू हो रही है वो प्रेम से। और भरद्वाज जी महाराज ने प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी से रोक करके पूछा कि महाराज कि राम जी कौन है, कैसे हैं, जरा हमें भी तो बताएं। और उसके उत्तर में राम कथा प्रारंभ हुई। उसी का उत्तर श्री राम कथा है, श्री रामचरितमानस है।
माँ भवानी की भूत भावन भगवान शिव से पूछती है। माँ भवानी की भी भूत भावन भगवान शिव शंकर से पूछती है कि राम जी कौन है, कैसे हैं, इनका स्वरूप कैसा है, जिनका आप नित्य नमन करते रहते हो, जिनका नित्य आप जाप करते रहते हो। तो कथा प्रारंभ हुई, काक भुशुंडी जी महाराज, गरुड़ जी, काक भुशुंडी महाराज जी से गरुड़ जी यह नहीं पूछते हैं कि राम जी कौन है। जब काक भुशुंडी जी महाराज से गरुड़ जी भगवान ने पूछा तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि राम जी कौन है। वो ये कहते हैं कि मैं श्री राम कथा सुनना चाहता हूं, रामचरितमानस का श्रवण करना चाहता हूं, कृपा करके अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा हो जाए तो कृपा मुझे प्रभु श्री राम की इस अनुराग रूपी परम पावन पवित्र परम पुण्य को प्रदान वाली कथा का श्रवण करवाए। कि मुझे भ्रम है और कथा जो है वो भ्रम को तोड़ देती है। जब सत्य सामने आ जाता है तो भ्रम टूट जाता है। सत्य भ्रम को तोड़ देता है और भ्रम की समाप्ति कर देता है। तो माँ भगवती गृह कार्य में लगी है और शिव बाबा का स्वभाव है भजन करने का। कार्तिकेय स्वामी जी का जन्म हुआ और आप सब कल गा रहे थे कि जहां जहां याद हुआ करे ना वहां वहां गाते रहा करिए भगवान श्री राम का नाम। श्री राम कथा गाने की कथा है, बोलने की नहीं, गाने की कथा है। इसको सुंदर चुपाइयां जो हैं, छंद सोरठे दोहे, इनको गाया जाता है, बोला नहीं जाता, इनको गा करके सुनना चाहिए। क्योंकि रामायण तभी सुंदर बनती है जब उसका गायन किया जाता है। और जब इसको गाएंगे, क्योंकि गायन जो है वो हृदय को छूता है, और जब गायन से प्रभु श्री राम की चौपाइयों को गाया जाएगा तो हमारे मन के तार प्रभु श्री राम के साथ जुड़ जाएंगे, और यही जुड़ना आवश्यक है। बोलिए जय श्री राम। और श्री राम नाम गाने से प्रीति बढ़ती है। मैंने पहले भी कहा यह प्रेम कथा है, प्रेम सिखाती है। और हर आदमी को जीवन की लक्ष्मण रेखा तय करना पड़ती है। हर व्यक्ति को एक जीवन रेखा जो है वो तय रखना पड़ती है। और हम ये करेंगे इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, केवल भजन ही करेंगे, परंतु जब गणित मिलाएगा तो उसके पास अपने लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहां तो संसार है, ईश्वर ने बना दिया है इसको, प्रभु श्री राम ने रच दिया है। असत्य जगत सत्य नहीं है, ये जगत जो है ये सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य है, परम आत्मा जो पर ब्रह्म का ज्ञान करवाते हैं, परमात्मा ही सत्य है। जगत सत्य नहीं है, सब मिथ्या है, सब दिखावा है। जिस प्रकार से ये शरीर हमारा अपना नहीं है, इसमें आत्मा का प्रवेश है, ये तो मिट्टी है, आत्मा बस घर बदलती रहती है, आज हमारे में, कल आपके में, परसों किसी और के शरीर में, और यही परम सत्य है। कितना भी कुछ कर लो, कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। कितना भी कुछ कर लो, कोई ना कोई कमी जीवन में बनी रहेगी, और जो कमी बनी रहेगी वही कमी हमारे लिए सुखदायी हो जाती है। कमी नहीं रहेगी तो इससे हमको विरक्ति कैसे होगी, और संसार में कमी है इसलिए हमको संसार से विरक्त हो के परमात्मा में कमी है। अगर संसार नहीं होता तो परमात्मा की विरक्त नहीं होती, तो हम परमात्मा के साथ ही होते। जब कमी रहती है तभी विरक्ति मिलती, इसलिए परमात्मा से हमारी अनुरक्ति रहती है। परमात्मा हमारे साथ आज भी हैं, कल भी हैं, पिछले जन्म से चले आ रहे हैं और सदैव रहेंगे।
उनसे परे कुछ नहीं है। जिसके लिए विवाह करवाया था भगवान रघुनाथ जी ने शिव जी का, वह भाव पूर्ण हुआ। भगवान शिव का जो विवाह करवाने का उद्देश्य था, कार्तिकी का जन्म हो और राक्षस वध हो, तो उनका वो भाव पूर्ण हुआ। और फिर उठाए पैगंबर भगवान ने ध्यान, वृक्ष के नीचे ध्यान लगा करके वृक्ष के नीचे पधारे और शांत बैठ गए, दोबारा से समाधि में लीन हो गए। तो याज्ञवल्क्य जी के साथ इन पंक्तियों को बड़े प्रेम पूर्वक गाया है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर सांतु रस जैसे, पार्वती भल अब सर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कि शिव जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके आ गया। जटाओं का मुकुट है देव नदी गंगा सिर पे, मैया गंगा जो है देवों की नदी गंगा, भगवान प्रभु की जटाओं में विराजमान है। दिव्य नेत्र है जैसे किसी के नहीं संसार में, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव। अद्भुत भाल चंद्र शोभायमान है, स्वयं चंद्रमा विराजमान है भगवान शंकर के जटाओं को मस्तक पर। कंठ में विष, लावण्य के खजाना बाबा आनंद जी बड़े आनंद में विराजमान है। और बैठे तो मां पार्वती जी को लगा कहीं वैसे ना बैठ जाए जैसे पिछली बार बैठे थे 27,000 वर्ष 3,000 वर्ष। बस गोस्वामी जी ने बड़ी मार्मिक पंक्तियां लिखी बड़े प्रेम पूर्वक। पार्वती भले अब सर जानी, गई शंभु पहिमा तु भवानी, जानी प्रिया आदरवत कीना, वाम भाग आसन हर दीन। माँ पार्वती जी शिव जी के पास गई, प्रणाम किया और भगवान शिव ने वामांग में आसन दिया पार्वती जी को। और पार्वती जी सन्न हुई, बोले क्यों, पिछली बार जब गई थी तो शिव बाबा ने सन्मुख आसन दिया था। जब पिछली बार पार्वती गई थी तो भगवान शिव ने उनको आसन अपने सामने दिया था। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने सीता के स्वरूप में देखा था, क्योंकि उन्होंने सीता का वेश बनाया था। तो माता को उन्होंने सन्मुख आसन दिया। इस बार बाबा जी की अर्धांगिनी है इसलिए वामांग में बिठाया है कि हमारी प्रिय आई है, भजन बढ़ाने आई है, हमारे साथ बैठेगी, भजन कीर्तन करेगी। तब भरद्वाज जी घबरा गए कि लगता है फिर आ गई, अब फिर कुछ से होने वाला है। क्योंकि विगत बार जितने बार भी पार्वती मैया आई है कुछ ना कुछ घटित जरूर हुआ है। जब जब भगवान शिव से मिली है, जब आई थी तो कथा चल रही थी और कथा रोक दी सती माता ने स्मरण किया कि जब पिछली बार आई थी तो कथा चल रही थी और कथा रोक दी थी और फिर प्रलय हो गया। और इस बार दोबारा से आकर के वामांग में विराजमान हो गई हैं, तो अब फिर से कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख सती
कर आसन दीना जाहि सभु पन बंधन कीना तन मुख तन कर आसन दीना लगे कहन हरि कथा रसाना तच प्रदेश भये माता जी ने कुछ प्रश्न कर दिया, कहीं पर कथा चल रही थी और एक मैया ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी हम लोग 3 घंटे बैठते हैं तो 10 बार आसन बदलते हैं, कि हम जब आदर की कथा पंडाल में बैठते हैं महाराज तो हम 10 बार आसन बदलते हैं, कई बार अपने घुटने खड़े कर लिए, कई बार टांगे पसार ली, कई बार पद्मासन में बैठ गए, कई बार वज्रासन में बैठ गए, आप लोग 4 से 5 घंटे कैसे बैठते हैं? बोला जी मजबूरी है, हमें तो बैठना ही पड़ता है। बोला जय श्री राम। कि आप लोग 4 घंटे कैसे बैठते हैं? बोला मजबूरी है, बैठना ही पड़ता है, कहां जाए, जो काम करना है वो पूरा ही करना है, बैठ करके करना पड़ेगा, खड़े होकर करके कर नहीं सकते। देखो इधर उधर सब पैक है, पूरा बंद है, 8 लोग इधर बैठे हैं और 10-12 लोग इधर बैठे हैं, जाएं तो कहां जाएं, सब देख रहे हैं कि महाराज जी उठ गए, अब तो अकेलों का आसन लगाओ तो चलो उठते भी चले जाएं। कि बैठना कौन चाहता है? आखिर आचार्य व्यास जी महाराज बैठते कैसे हैं? बाकी तो ब्राह्मण वर्ग भी घूमता फिरता रहता है, संगीताचार्य भी घूमते रहते हैं, यजमान भी उठ फिर सकता है, चल फिर सकता है, लेकिन व्यास जी कैसे बैठते हैं? आखिर उपाय क्या है हमें भी बताइए। बोला कोई उपाय नहीं है, कथा वाचनीय बस यही उपाय है, हमको पता है कि हमें कथा करनी है, यही हमारे लिए उपाय है, नहीं तो यदि बार बार उठते रहेंगे, बार बार पानी पीते रहेंगे तो हमें बुलाएगा कौन? बोलेंगे जी महाराज तो खुद ही टिक के नहीं बैठते, यजमान को कहां से बिठाएंगे। तो व्यवहारिक बात यह है कि इसको कहते हैं अपना आसन पक्का करना। और आसन कब पक्का होता है? जब आप नित्य 1 मिनट से प्रारंभ करके 5 घंटे में तब्दील कर लेते हैं अपने आप को बिठाने की क्षमता को। और ये कब होता है? जब योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं। और ब्राह्मणों का भी यही है, लगातार 5-6 घंटे 7 घंटे पूजा करनी है तो अगर बार बार उठते रहेंगे तो वो आसन वहां भी नहीं पकता है। लेकिन फिर भी ये आसन सिद्ध हो जाता है, आसन पे बैठना साधारण बात नहीं है। जो योगासन में बैठते हैं, जो ध्यानस्थ होते हैं, जो प्रभु सुमिरन करते हैं बैठ करके, उनका आसन पक्का हो जाता है, जो समाधि में लीन रहते हैं। हर किसी के बस का काम नहीं है। तो साधन क्या है? योग और साधना, जिससे साधना करने के लिए बैठना आवश्यक है, योग करने के लिए भी बैठना आवश्यक है। तो जब आप योगासन में बैठते हैं, ध्यानासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, तो उसको पक्का करना है ध्यान लगा करके, जिसको कई लोग प्राणायाम करते हैं, पद्मासन में बैठ करके श्वास को रोकना,
उसका स्तंभन करना, श्वास खींचना, श्वास छोड़ना, ये सब योग क्रियाएं हैं। इनको जब व्यक्ति करता है और जब ये इतनी प्रभावशाली हो जाती है तो आसन खुद ही पक्का हो जाता है। तो आसन का पक्का होना जो है उस हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। आजकल तो चारपाई पे बैठ करके खाना खा रहे हैं, बेड पे बेड लगा हुआ है, अंदर ही खाना खा रहे हैं। कई कई व्यक्ति ऐसे देखे कि जो भूमि पर बैठ ही नहीं सकते, एक क्षण के लिए नहीं बैठ सकते, कुर्सी के बिना उनको भोजन नहीं। लेकिन अगर ये आदत प्रारंभ से डाली होती, कम से कम खाना जमीन पे बैठो 15-20 मिनट लग जाते हैं, खाना खाने में 20 मिनट का अभ्यास होगा, आधा घंटा भी हो जाएगा, एक घंटे में तब्दील हो जाएगा, तो बैठने की क्षमता बनी रहती है। कोई भी आसन हो, खाने के लिए भी आसन ही लगाना पड़ता है और उस आसन को पक्का करने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए। भूमि पर बैठ करके भोजन करें, मैंने हर तरफ से देखा जाए तो आसन का पक्का होना बड़ा आवश्यक है। और बाकी प्रभु श्री राम की कृपा है, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है वही व्यक्ति बैठ सकता है। ऋषि मुनि हजार हजार वर्ष तपस्या करते थे, साधु संत सालों साल तपस्या करते हैं, और गृहस्थ जीवन मासों मास भी करता है, महीना भी करते हैं, दिन व्रत भी करते हैं और क्षण भर भी करते हैं। प्रभु ने लिखा है क्षण भर की आपकी जो तपस्या है वो आपको शुभ फल प्रदान कर सकती है, लेकिन आसन आरूढ़ होकर के, आसन से बैठ करके, क्योंकि बिना आसन के कोई सिद्धि हो ही नहीं सकती। किसी भी देवता को आप सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भी देवता को आप मना नहीं सकते। ध्यान लगाने के लिए बैठना परम आवश्यक है, और उसके ऊपर होती है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा है। प्रभु क्या कहते हैं, जे ही पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अजीर न चाहवही मानी। जे ही पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अजीर शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। कि हे नाथ, कि हे समस्त कलाओं के गुणों के धाम, कि हे नाथ, योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हो, आप कल्प तरु हो। सो हे प्रभु, कि हे नाथ, आप हम पर प्रसन्न हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, बुद्धि से और कर्म से हम आपके दास हैं, कि आप पर, आप मुझ पर कृपा करिए और कुछ ऐसा कहिए कि मेरे अज्ञान का हरण हो जाए, जो मेरे मन में अज्ञान है उसका हरण हो जाए, उसको कोई ले जाए। कि जिस घर पर कल्प वृक्ष के नीचे हो दीनता क्यों सहे, जो जिसका घर कल्प तरु के नीचे हो वो दीनता क्यों सहेगा, क्योंकि वो स्वयं कल्प तरु के नीचे बैठा है, स्वयं जिस प्रभु के हाथ जिसके सर पर है उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है।
सो हे नाथ, हे चंद्रशेखर, मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर आज्ञा हो तो आपसे कहूं बाबा। तो बाबा ने कहा, कहो देवी। तो माँ ने पूछा कि जो परमार्थी मुनि लोग हैं वो राम जी को सर्वव्यापी अनादि ब्रह्म कहते हैं, जो परमार्थी हैं, जो सदैव दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, पर के हित के लिए जो आया परमार्थी, जो पर के हित के लिए सब कुछ करता है वो अनादि ब्रह्म कहते हैं। किसे? प्रभु श्री राम को। शेष नारायण, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी का अनेक भांति गुणवाद करते हैं। सभी देवी देवता माँ, यहाँ तक कि स्वयं माँ सरस्वती भी प्रभु श्री राम का गुणगान करते हैं। और आप भी हे त्रिलोकीनाथ, सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार भगवान नारायण, शेष नारायण, जिनके ऊपर शेष नारायण, शेष नाग भगवान सदैव अपनी छत्र छाया करके रखते हैं, जिस शेषनाग की शैया के ऊपर भगवान शांतकारं भुजग शयनम की शांत स्वभाव से स्वभावचित होकर के विराजमान रहते हैं, वो भी मेरे प्रभु श्री राम का ही वंदन करते हैं। वही सारा दिन राम नाम जपते रहते हैं। आदर पूर्वक मेरा एक प्रश्न है कि ये राम जी कौन है? और इतना सरल प्रश्न है कि राम जी कौन है, बड़ा साधारण सा प्रश्न है कि जी वो तो अयोध्या के राजा है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम। बड़ा सरल सा प्रश्न है। तो चरित्र देख करके, गाथा सुन करके मेरी बुद्धि में भ्रम हो रहा है। यदि कोई अन्य विभूत तत्व है तो हे नाथ विस्तार से मुझे कहें कि प्रभु राजा दशरथ का पुत्र होना, प्रभु श्री राम का नाम जो है सबके लिए वंदनीय हो गया, ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे कुछ लग नहीं रही है। अगर कोई अन्य विभू तत्व है, अगर कुछ और बात है, कोई विशेष बात है उनमें, तो कृपा करके मुझे बताइए, विस्तार से कहिए। पिछली बार मैंने वन में भगवान की लीला का दर्शन किया कि पिछली बार जब मैं आई थी तो भगवान का वन में दर्शन किया था मैंने उनकी लीला का, परंतु मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। तब मुझे मोह था और अब मोह नहीं है मुझे, अब राम जी की कथा पर हमारी रुचि थी। अब मैं रुचि से उस कथा का श्रवण करना चाहती हूँ। और ध्यान रखिएगा, भगवत कथा में रुचि अचानक नहीं होती है, धीरे धीरे हमारे अप कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तब रुचि आती है कथा का श्रवण करने की, तब मन करता है कि हम कथा को सुने। ऐसा नहीं कि जब भी दिल किया उठ करके आ गया, समय लगता है। धीरे धीरे हमारे अप कर्म जब नष्ट होते हैं तब पुण्य कर्म श्रेष्ठतम की ओर, और जब पुण्य जो हमने किए हैं उन कर्मों का फल जब हमें मिलने का समय आता है तभी जाकर के हम इस कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है और हमारी रुचि आती है। और भक्ति का नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और जैसे जैसे हमारा पुण्य उदय होगा वैसे वैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। पूजा पाठ तो सुबह से ही शुरू हो गए हैं 7 बजे से, तो धीरे धीरे कथा का समय जैसे जैसे होता जा रहा है, रुचि बढ़ती जा रही है कि हमको जाना है। और यही परमात्मा का, परमात्मा की प्राप्ति का आधार है। जब मन करने लग जाए, जब मन में रुचि आ जाए। माँ ने भगवान शिव से राम जी के बारे में इतना मीठा प्रश्न किया, एक समुच्चय है इसका, जो निर्गुण ब्रह्म है तो वो किस कारण से सगुण स्वरूप में आए? अगर तो वो निर्गुण ब्रह्म है तो किस कारण से सगुण स्वरूप में आए? कृपा करके हमें बताएं, उनका जन्म क्या हुआ, कैसे हुआ, कृपा करके हमें बताइए, उनकी कुछ बाल लीलाएं हमको सुनाइए, विवाह उनका गा करके बताइए। विवाह करके आए, वन में चले गए,
वन में जाकर कौन कौन सी लीलाएं की और लौट करके वन से आए, राज्याभिषेक कैसे हुआ, जो पूछा तो बताइए। जो मेरा मन की इच्छाएं हैं आपसे जानने की, कृपा करके मुझे बताइए। और जो नहीं पूछा है वो भी मुझे सुनाइए। जिससे मैं अज्ञानी हूं, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, मुझे वो भी बात आप समझाइए। सारा प्रश्न मेरी माँ ने एक साथ कर दिया तो शिव बाबा के हृदय में संपूर्ण रामचरित अवतरित हो गया। और बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छा, श्री रघुनाथ रूप अरुणावा, परमानंद अमित सुख पा, परम आनंद अमित सुख पावा। कि जैसे ही माँ ने प्रश्न किया, भगवान शिव के हृदय में सब रामचरित अवतरित हो गया। पूरी राम प्रभु श्री राम की लीलाएं उनके हृदय में आकर के वास करने लगे। क्योंकि रचना ही भगवान शिव ने की है, और जो कोई भी कार्य हम किया करते हैं तो उसको बोलते चले जाते हैं। और किसी ने पूछा, आप इस व्यवहार के बारे में जानते हैं, तो हम जरूर कहेंगे हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो जानते हैं। जिसने जिस चीज को बनाया हो वो उस चीज के बारे में सदैव जानता रहेगा, उसको ज्ञान रहेगा। कोई व्यवहार और ज्ञान को हम विस्तार से नहीं कह सकते हैं, फिर हमको विश्राम लेना पड़ता है। जैसे देखिए, जब कभी हमको सत्य बोलना होता है तो यह माथे पर दबाव नहीं रखता, और जब झूठ बोलने की बारी आ जाती है तो माथा और आंखों दोनों पे भार पड़ जाता है, दोनों दब जाते हैं। जब सत्य बोलते हैं तो निधड़ सीधा, और जब झूठ बोलने का अवसर आता है तो माथे की लकीरें थोड़ी डाउन हो जाती हैं, आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। और कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का झूठ तो हमने आंखों से ही पढ़ लिया, बोलो जय श्री राम। इसे कहते हैं व्यवहार, कि व्यवहार से व्यक्तित्व को जाना। क्योंकि जो व्यक्ति जिसको पहचानता है, आंखों को पहचानता है, उसके चेहरे को पहचानता है, वो देख करके पता लगा लेते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। और जब सत्य बोला जाता है तो उसका तो कोई बात ही नहीं। और रामचरित की स्वयं रचना भगवान शिव ने की है। महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, और उनके हृदय में पूरी राम कथा अवतरित हो गई, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ने ही रामचरित मानस को रचा। भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और 48 मिनट दंड युग, दो दंड एक दंड 24 मिनट का होता है, 48 मिनट दंड युग, और 48 मिनट शिव बाबा समाधिस्थ हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि पुनि, जुग पुनि मन बाहिर कीना, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर नहीं लीना। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीना, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बन बाहिर तब कीना, रघुपति चरित
कि नेत्र खुला, प्रसन्न भाव से माँ को देखा। बाबा ने, और ये कथा के प्रारंभ की भूमिका है बड़े प्रेम पूर्वक, कि श्री बाबा रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं और मंगलाचरण में कहते हैं कि हृदय में रखना है देवी, कि जिस मंगलाचरण को मैं गाने जा रहा हूँ उसे बड़े प्रेम पूर्वक सुनना। झूठे सत्य जही जही बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेही जान जग जाई हेराई, जेही जान जग जाई हेराई, जागे जग स्वपन ब्रह्म जाई। झूठे सत्य जही जही बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। कि जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य जानना पड़ता है। बोला कैसे? जैसे रस्सी दिख रही है तो रात के अंधेरे में, कल भी देखी आया कि जैसे अंधेरे में अगर रस्सी दिख जाए तो भ्रम में वो सांप भी दिखता है, प्रकाश हो गया तो रस्सी दिख जाएगी। जब तक वो अंधकार में है तब तक वो हमारे लिए सर्प ही है, और जब प्रकाशमान हो गया तो पता लग गया कि ये हो, ये तो सांप नहीं है, तो रस्सी थी। मने मन का भ्रम जो है उसकी समाप्ति हो गई, प्रकाशमय हो गया जीवन। जिसको जान लेने पर जगत गायब हो जाता है, जब तक परमात्मा का बोध नहीं होता तब तक यह संसार सत्य जान पड़ता है, जब तक ज्ञान नहीं हो जाता संसार सत्य नहीं है। और शिव बाबा ने क्या कहा है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बंदौ बारु सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जगत सुनाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ सदसरथ अजर बिहारी, करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर सीतास गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सदा नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जब पावन जी।
भजन भी सत्य है, भगवान का भजन करना भी सत्य है। जिस परमात्मा को जान लेने पर यह जगत गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। जीवन से और चिंतन से उनका स्मरण करिए कि जीवन में, जीवन से और चिंतन से, चिंतन करना बड़ा आवश्यक है। बंदव बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जगत जी सुनामा। कि धन्य 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 है गिरिराज, कि आपकी पुत्री धन्य है। बोले क्यों धन्य है? क्योंकि आपने प्रभु श्री राम की पावन कथा पूछी, इसलिए इसलिए आप धन्य हैं। वो धन्य है जो कथा पूछे, वो धन्य है जो कथा सुने, वो धन्य है जो चिंतन करे। कथा कम पूछते हैं लोग, व्यथा ही पूछते हैं ज्यादा। कथा नहीं पूछते हैं, व्यथा ही पूछते हैं। बोला कि किसी व्यक्ति के सर में बड़ी दर्द थी, बड़ी पीड़ा, तो बैठा था गुमसुम, तो किसी ने पूछ लिया, भैया क्या हो गया सर में? बोला बड़े जोर की सर्द लग रही है हे भगवान। बोले जिसने सर को दिया उसको कभी याद नहीं किया, डॉक्टर को पुनः पुनः याद कर रहा है। कि नाक के लिए जिसने नथ बनाई उस सुनियार को सब याद करते हैं, लेकिन जिसने नथ को पहनने के लिए नाक बनाई उसको कोई कोई याद करता है। बोले जय श्री राम। तो जो चिंतन नहीं करता, तो प्रभु शंकर भगवान मैया को कह रहे हैं कि आप धन्य हैं कि आपने प्रभु श्री राम की परम पावन कथा को पूछा, जानना चाहा, आपके मन में जागृति हुई इसको जानने की। तो महाराज जी सब तो ठीक है, परंतु आप मुझे बताइए। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी नया घटे, कह गए दास कबीर। कि चिंता से चतुराई घट जाती है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो चतुराई कर ही नहीं सकता। और दुख से घटे शरीर, और जब दुख लग जाता है तो उससे शरीर घटता जाता है, चिंता चिता समान। और पाप से लक्ष्मी नया घटे, और पाप से घर की लक्ष्मी, कुबेर, अन्न, धन के सब भंडारी घटते ही जाते हैं नित्य। और कह गए दास कबीर, कबीर जी महाराज ने कहा है। और तो ये कोई विषय नहीं है, मैंने इनके वर्षों, इतने वर्षों में अनुभव किया है कि कथा ही पूछनी चाहिए, व्यथा नहीं पूछनी चाहिए। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ तो जाना पड़ेगा। आएगा जब रे, हो आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे, आएगा जब रे बुलावा प्रभु का, छोड़ के सब कुछ यहीं तो जाना पड़ेगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। चले बीच में तालियों के साथ आएगा जब बुलावा हरि का,
जाना पड़ेगा। आएगा जब बुलावा हरी का, सुन के सब को जाना पड़ेगा। ना भली का ना भली का ये जाएगा संग में, और कुछ ना तू ले के चलेगा। नाम हरी का तू ले के चलेगा, और कुछ ना तू ले के जाएगा। आएगा जब बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हर की सच्ची कमाई, सुखी जग की सभी ये सगाई। आएगा जब बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब बुलावा हरी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। श्री राम चंद्र भगवान की।
क्या खूब बोला है आज इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का तो फिरता करे विचार मूर्ख इस बन दौलत का तो फिरता करे विचार मूर्ख इस बन दौलत का दो दिन की जिंदगी है
बड़ा सुंदर किसी ने